ओह किताब पढ़ते पढ़ते उसमें डूब ही गए हैं, है ना सोफिया? हे मुझे भी कुछ मार्शमेलोज दो लाना। ठीक है लेकिन सिर्फ एक। मुंह खोलो। वाह बढ़िया कैच, एक और मिलना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और मार्शमेलो है। गा! लगता है सोफिया अपनी दोस्त के प्रैंक में फंस गई। एक और दिन, एक और घंटा आर्ट क्लास में। लेकिन अगर आपके हाथ बिजी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्किटल्स नहीं खा सकते। लेकिन आप कैंडीज जितनी ज्यादा शेयर करेंगे आपके पास उतनी कम हो जाएंगी। लाना अपने काम में इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया सोफिया खाने पे लगी हुई है। हाँ ये हो गया। हे मेरे सारे स्किटल कहाँ चले गए? सोफिया तुम ये सब इतनी जल्दी कैसे खा सकती हो? ठीक है मैं अब इससे बदला लूंगी। चलो देखो दोस्तों, एक प्ले की बॉल में से थोड़ी सी चुटकी ले। अब इसे अपने हाथ पर मल ले। अब रख दे। अब इसके ऊपर पेंट से एस लिखें। देखा देखा लग रहा है ना, इन्हें अलग अलग रंग का बनाए। और अब आपके पास बहुत सारे स्किटर्स हैं। अब ये सोफिया को सबक सिखाएगा। हाँ उसने और रख दी। अगर मैं थोड़ी ले लूंगी उसे पता नहीं चलेगा, है ना? इसमें क्या गंदा सा है? ये अभी तक के सबसे गंदे स्किटर्स थे। बांट कर खाने पर एक और शिक्षा, है ना? आखिरकार ये लंच टाइम है और ये हॉट डॉग्स बहुत बढ़िया है। ओहो मैं ड्रिंक लाना भूल गई। क्या मैं थोड़ा सोडा ले सकती हूँ लाना? ई नहीं, मुझे चीजें बांटना पसंद नहीं। हे क्या मिसेज एप्पल भी आ रही है? और अब सोफिया के पास मौका है ड्रिंक ना बांटने पर लाना पर ट्रिक करने का। वाह मुझे पता था सोफिया को ना करने का अंजाम इतना बड़ा धमाका होगा। मेरे ऊपर चिपचिपा सोडा आ गया। सोफिया तुम्हें जल्दी भाग जाना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी। ठीक है रेसेस से पहले बस और एक पीरियड। ये हाई स्कूल में छक्के लेने का समय क्यों नहीं देते? मैं बस अपनी आंखों को कुछ मिनट आराम देना चाहती हूँ। ओह क्या लाना सो गई? हाँ सो ही गई। और अगर आपकी दोस्त गहरी नींद में है तो ये प्रैंक करने का बहुत बढ़िया मौका है। इस प्रैंक के लिए इतना बड़ा स्क्रू ले और इसके दो हिस्से कर दे और एक छोटे पार्चमेंट पेपर पर बीच में हॉट ग्लू लगाए और स्क्रू का हिस्सा इस तरह खड़ा करके लगा दे। जब ग्लू सूख जाए तो इसके ऊपर लाल रंग की नेल पॉलिश लगाए। दूसरे हिस्से पर भी बिल्कुल ऐसे ही करें। स्क्रू के दूसरे हिस्से को लगाकर अब इन दोनों हिस्सों को अपनी सोती हुई दोस्त के हाथ के आगे पीछे लगा दे। उन्हें बस उठा मत देना। और नहीं ये बहुत मजेदार होने वाला है। ओ लाना उठ जाओ सुंदर लड़की। हाँ, कैसी खुशली है? मेरे हाथ पर क्या हुआ? एम्बुलेंस बुलाओ सोफिया। शांत हो जाओ दोस्त, ये बस एक प्रैंक है। और ये झपकी से उठाने का जबरदस्त तरीका था। कम से कम दर्द नहीं हुआ, है ना? ओ चलो भी तुम्हें मानना पड़ेगा ये प्रैंक बहुत बढ़िया था। मैं अभी भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। हमें चुप रहना होगा, ये टेस्ट का दिन है। ठीक है सब मेहनत कर रहे हैं, मुझे भी अपना काम कर लेना चाहिए। वाह इन मेहनती बच्चों को तो देखो। ओह लगता है हेड टीचर को मुझसे बात करनी है, मुझे जाना चाहिए। क्या वो सच में जा रही है? जब टीचर जाएगी तो बच्चे खेलेंगे। और ये मिसेज एप्पलबी पर प्रैंक करने का बहुत अच्छा समय है। ओ नहीं उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनका कॉफी का मग उल्टा हो गया। जल्दी फालतू कॉफी को साफ करो इससे पहले वो आ जाए। अपनी सीट पर जाओ, हमने कर दिखाया। हाँ यह सब ठीक है। ठीक है तो मैं कहाँ थी? ओ हाँ तो चलो। कॉफी हर जगह फैल गई। मैंने तो इसे उल्टा नहीं किया था। हंसना बंद करो लड़कियों, आप तो मुसीबत में हो।
मुझे पता है चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें निकाला जा सकता है। चलो अपने बैग पैक करो और जाओ। हमें निकाला गया पर बढ़िया था, पर ये करना बेकार था। कल के बड़े प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। टाइम क्या हुआ है? ठीक है, बहुत हुआ, अब मेरी आंखें नहीं खुल पा रही। ओह हाँ, ये बहुत बेहतर है। क्या सोफिया सच में सो गई? मतलब अब मैं ये अकेले करूंगी, है ना? लेकिन मेरे पास एक ब्रेक के लिए प्रैंक है। अगर आपकी दोस्त हो रही है तो ग्लू से नहीं लुक देगी, बस उसके माथे और गालों पर थोड़ी थोड़ी ग्लू लगा दे। अब थोड़ा रगड़ दे, ध्यान रहे कि वो उठ ना जाए। और जब ये सूख जाए तो थोड़ा थोड़ा निकाल दे ताकि ये लटकता हुआ नजर आए। ओहो, ये सबसे मजाक क्या होने वाला है। अब इसे उठाते हैं। सोफिया, सोफिया उठ जाओ, तुम्हारी त्वचा निकल रही है। हाँ? हे मेरे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरी त्वचा ऐसे क्यों निकल रही है? डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, एम्बुलेंस को बुलाओ अभी। ओ नहीं, मैं इसे और नहीं छिपा सकती। ये बहुत मजाक किया है। तुम मर नहीं रही सोफिया, ये बस एल्मर्स ग्लू थी। अगर तुम मेरी जगह पर होती तो तुम्हें कैसा लगता? हर किसी का ऐसा दोस्त होता है जो बोलता ही रहता है और बोलता ही रहता है, चाहे ज्योग्राफी का लेसन ही क्यों ना चल रहा हो। और मैंने बोला हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ डांस करने चलूंगी अगर तुम अपने बाल कटवा लोगे। मैं सुनने की कोशिश कर रही हूँ, करने दोगी मुझे? हाँ, सोफिया को बुरा लगा। ठीक है, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, मैं अपनी जीप काटूंगी या उसमें ठीक कर लूंगी। इस प्रैंक को ट्राई करके देखिए। हे लाना, तुम चाहती हो कि मैं ना बोलूं, है ना? अब ये काम करेगा। हे मेरे भगवान, सोफिया को इसकी मदद करो। अब क्या हुआ है? ओ नहीं, क्या तुम वही कर रही हो जो मैं सोच रही हूँ? ठीक है, तो अगर तुम थोड़ा पास से देखोगे तो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। मुझे दो। लगता है हमने एक प्रैंकस्टर को पकड़ लिया है। हाँ, अब तुम दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में जाओगी। प्रैंक करना मजेदार होता है, लेकिन कभी कभी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन अच्छी चीजों को देखो लाना, कम से कम सोफिया चुप तो हो गई। क्या आपको ये स्कूल प्रैंक्स मजेदार लगे? तो ये ब्लूपर्स तो आपको और भी हंसाएंगे। इन प्रैंक्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी मजेदार वीडियोस मिस ना करें।